भाई आ चुका है आपका थार देखने, वो अभी 2 मॉडल में। तो गाइस कोई चेंजिंग कुछ भी नहीं है, ये देखो कुछ चेंजिंग इसको बोलते हैं, कोई मतलब फ्रंट ग्रिल, कोई वाली बैजिंग सेम, तो वही वाली सस्पेंशन, वही टायर, एवरीथिंग। यहाँ भी इसकी बैजिंग है, यहाँ भी इसकी बैजिंग है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ये देखो गाड़ी अभी लॉक है, तो अंदर से भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही। नया लोगो आ चुका है महिंद्रा का भाई, एक खुद आ जाती है पता पड़ता है गाइस। देखो बैक साइड से भी वैसा का वैसा यार, तो बहुत ही खूबसूरत, कुछ चेंजिंग नहीं भाई। सबसे बड़ी बात है कि बॉडी में कोई चेंजिंग नहीं है भाई। ये इसका इंटीरियर बैक इसका आ गया, और ये इसका इंटीरियर देखें आप, आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ से भाई, पूरे मस्त तरीके से। बस ये है कि जहाँ पे वो गियर नॉब था 4x4 का, वो नहीं है अभी इसमें, बाकी वैसे का वैसा ही है। यहाँ पे रेडियो एंटीना दिया है, और टायर भी इसका उतना ही है बिल्कुल, और सस्पेंशन देखिए आप, इतना सस्पेंशन है। देखो ग्राउंड क्लियरेंस देखो इसका कितना खतरनाक है, बहुत तगड़े वाला ग्राउंड क्लियरेंस ही। देखो इसको हम ना येलो करवा सकते हैं पैंट, सबसे बड़ी बात यही है कि बस इसमें क्या है कि भाई प्राइस जो है 9.99 लाख से स्टार्टिंग प्राइस है, तो बाकी 1498 सीसी का इंजन है, तो बाकी कुछ चेंजेस नहीं है भाई। हॉट टॉप है, ये देखें हॉट टॉप जैसा था, और वही वाले मिरर, वही वही कैपेसिटी, वही 4 वाली। इसी के टक्कर में जिमनी आ चुकी है, लेकिन जिमनी जो भी मार्केट में अभी आई नहीं है यहाँ पर शोरूम में, बट ये पहुँच गई है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी को हम वीडियो में बार बार आगे पीछे घुमा घुमा के दिखा रहा हूँ। तो इसका वॉक राउंड करेंगे थोड़ा सा, देखते हैं क्या सीन है इसका। ये देखो, और ये रहा इसका कुछ, ये गाड़ी ये 4x4 आती है, तो ये 2x2। अब देखो उसमें और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है गाइस, बिल्कुल कुछ डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम, जिसको बोलते हैं ना, मैं उसका भी अभी आपको दिखाऊंगा वो भी, और ये भाई दोनों सेम है भाई। कुछ चार्ट बिल देखो यार, जैसी मतलब 2.2 की थी वैसी ही बिल्कुल ऐसी है इसकी, कुछ भी चेंजेस नहीं है। सबसे बड़ी बात है गाड़ी के पूरे स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है इसका, जितना मतलब जितना ग्राउंड क्लियरेंस था वो भी इतना ही है, लेंथ इन टू ब्रेथ भी वैसे का वैसा है, कुछ नहीं है, बस इंजन थोड़ा चेंज किया इसने यार, वो वाली बैजिंग, वही टायर्स भी इसमें वही के सेम के सेम, आगे भी डिस्क है और बैक साइड भी डिस्क है गाइस। ये देखें बहुत ही खूबसूरत, नो चेंजिंग एट ऑल, और वही सेम जो साइड पर इंडिकेटर था इसको भी वैसा भी इंडिकेटर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात इसके बड़े बड़े मिरर्स, ये बड़े बड़े मिरर है ना, इसमें ना पीछे देखने में सब कुछ दिखता है कि भाई कितना खूबसूरत पीछे का व्यू दिखता है यार। अब अंदर क्या चक्कर है कि आज लोड़ी और लॉक थी, आज तो बिल्कुल बंद ही है, तो मैं यहाँ आ गया हूँ, लेकिन ये है कि अब देखते हैं जब कल खुलेगा शोरूम, तो इसके अंदर जाके इसको बैठ के देखेंगे। क्या है कि 4x4 की बैजिंग है और ये 4x4 है, इसको देखते हैं अंदर से हम। ये देखो सेम, बस वहाँ पे उसको ये वाला गियर नॉब नहीं 4x4 वाला, बाकी भाई सब कुछ वैसे का वैसा है। यही वाले बटन सिस्टम, इंफोर्मेंस सिस्टम भी यही है, और इंटीरियर भी है, और सबसे बड़ी बात है भाई ये देखो स्पीकर जो है ना इसके छत में दिए गए, ये इस गाड़ी की लुक है भाई, ये देखो। तो आगे से बता दो, कुछ चेंजेस नहीं है, वैसे का वैसे थार लिखा हुआ इसमें भी, और यहीं पर वो इंडिकेटर है, और यहाँ पर भी बैजिंग हुई, और वही ग्रिल, वही लाइट, सब कुछ वैसा है भाई। इसकी बूट्स पे इसकी बात करो, यहाँ पे देखो कुछ सामान बिल्कुल नहीं आ सकता, हल्का सा छोटा सा कोई लगेज बैग वगैरह आ जाए, बाकी इसमें कुछ नहीं आ सकता भाई। और रही बात इसके ऊपर की, इसमें हम रूफ रैक लगा सकते हैं, तो बस वैसे ही मैनेज करना पड़ेगा, बाकी भाई वो जो चौड़ापन था ना इसका, बल्क वाला, बल्क वैसे की वैसी है भाई, पीछे से हल्क की तरह ये वैसे भी, और वहाँ वो वाला भी वैसे के वैसे, कुछ चेंजिंग नहीं है इसे भाई, बहुत ही अमेजिंग, वो वाली भी और ये वाली भी दोनों भाई क्लासी हैं यार। तो यार कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दें कि कौन सी परचेज़ करनी चाहिए, वो वाली या ये वाली, इसमें भी और उसमें भी कोई मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा। वो वाली इंडिकेटर, यहाँ पे भी इसकी इंडिकेटर लाइट्स, और ये इसकी हेडलाइट वगैरह, और वही वाली ग्रिल, बाकी अगर आप मॉडिफाई करवाना चाहते हो तो मॉडिफिकेशन के लिए दी बेस्ट गाड़ी है यार ये देख लें, इसको वही बैठ
गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि कौन सी गाड़ी परचेज करनी चाहिए यार। कलर तो दी बेस्ट कलर मुझे लगा ये वाला, और ग्रे भी बहुत ज़बरदस्त है, वो 1500 सीसी में, और ये है 2.2 सीसी में यार। चलो यार इसी के साथ मैं वीडियो करता हूँ, यहीं पे खत्म होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना प्लीज़ कि कौन सी गाड़ी परचेज करनी चाहिए। अभी मैंने बाइक भी देखी और ये भी देखा, मुझे लगता है कि बेटर है कि यार मैं इसी के लिए जाऊँ यार, दी बेस्ट कार।